नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल न्यू आइडियाज़ YT में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि ओ लेवल थ्योरी एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, और जब से एडमिट कार्ड आए हैं तब से आप लोगों के पास ढेर सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आप मुझे WhatsApp पे पूछ रहे हो लगातार। तो आज हम आपके मन में जो भी डाउट्स हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं, जैसे कि पेपर ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा, पेपर रिटन होगा या फिर उसमें ऑब्जेक्टिव आएंगे यानी कि MCQ आएंगे, जो तैयारी है एग्ज़ाम की उसे कैसे करना है ताकि आप एक ही बार में अच्छे ग्रेड से अपने एग्ज़ाम को पास कर सकें। साथ ही जो आपका एडमिट कार्ड है उसमें हिंदी दिया हुआ है, आप इंग्लिश में एग्ज़ाम देना चाहते हो या फिर एडमिट कार्ड में आपके एडमिट कार्ड में इंग्लिश है बट आप हिंदी में एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो आज हम इन तमाम बातों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न, जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा? तो मैं आपसे बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट होगी, तो जो आपका सेंटर है वो किसी इंस्टीट्यूट में जाएगा, या फिर उस कॉलेज में जाएगा जहाँ पर जो कंप्यूटर कोर्सेज होते हैं, जहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर अवेलेबल होंगे वहाँ पर जाएगा। बट अगर आप देखेंगे तो जो आपके सेंटर्स हैं वो पब्लिक स्कूल इंटर कॉलेज में गए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा, उसमें कोई शक नहीं है। तो पहली बात तो कंफर्म हो चुकी है कि जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन ही होगा। अब बात ये आती है कि जो पेपर होगा थ्योरी का वो रिटन में होगा या फिर ऑब्जेक्टिव होगा। तो मैंने आप लोगों को कुछ टाइम पहले न्यू पैटर्न के बारे में एक वीडियो प्रोवाइड की थी, जिसमें हमने कहा था कि जो आपके जुलाई 2022 सेशन से एग्ज़ाम होंगे वो सभी के सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, यानी कि MCQs पर आधारित होंगे, जिसमें आप लोगों के 100 MCQs आएंगे। तो कुछ लोगों ने मेरे पास स्क्रीनशॉट सेंड किया है कि सर ये देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि उत्तर पुस्तिका के भीतर अपना उत्तर पूरा करने के लिए उम्मीदवार को केवल एक ही उत्तर पुस्तिका प्रदान की जाएगी, अतिरिक्त जो यानी कि बी कॉपी है वो नहीं मिलेगी। तो ये यहाँ पर क्यों लिख कर आया है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो नाइलिट है वो एक साथ ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल और सी लेवल के एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। जो एडमिट कार्ड का फॉर्मेट है वो यही रहता है जो आपके ओ लेवल का है। जो ओ लेवल है इसमें आपके चार पेपर होते हैं, चारों पेपर आपके ऑब्जेक्टिव होंगे यानी कि MCQs में आएंगे, जबकि ए लेवल, बी लेवल और सी लेवल में ओ लेवल वाले पेपर को छोड़कर बाकी सारे पेपर डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों होते हैं। तो जो ये आपके इंस्ट्रक्शंस हैं, ये ए लेवल, बी लेवल और सी लेवल के जो पेपर्स हैं उसके करस्पॉन्डिंग दिए गए हैं। आपके एग्ज़ाम MCQs पर आधारित ही होंगे, 100 MCQs आएंगे। तो दूसरा डाउट क्लियर हो चुका है कि जो एग्ज़ाम है वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, रिटर्न नहीं होगा। अगर आपके इंस्टीट्यूट वाले आपसे बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम रिटर्न होगा तो वो आपको गलत जानकारी साझा कर रहे हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला पॉइंट आता है कि तैयारी कैसे करनी है, एक ताकि आप एक ही बार में अच्छी तरीके से अच्छे ग्रेड से अपना एग्ज़ाम क्रैक कर पाएँ। तो आप लोगों के लिए दो पॉपुलर और यूज़फुल वेबसाइट हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन 100% आने वाला है। आप इस बात को लिखकर रख लीजिए, जो क्वेश्चन आएंगे वो सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन के साथ में आएंगे। तो जो मैं आपको क्वेश्चंस बताने वाला हूँ जहाँ से आपको पढ़ना है, वहाँ पे दिए गए सारे क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। तो सबसे पहले तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं, अगर आपका जो माध्यम है आंसर
देगा, यानी कि अगर आपको इंग्लिश समझ में आती है तो आपको आना है primegyan.com पे। इस वेबसाइट को आप ओपन करेंगे, यहीं पे आपको M1, M2, M3 और M4 चारों मॉड्यूल के सेक्शन दिखाई देंगे। फॉर एग्जांपल आपको पढ़ना है M4R5, तो यहाँ पर आप लोगों को चैप्टर वाइज दिए गए हैं। सारे चैप्टर को देखने के लिए आपको व्यू ऑल पे क्लिक करना है। बट अगर आप चाहते हैं कि भैया मुझे मिक्स क्वेश्चन यानी कि सारे ही चैप्टर्स का कंप्लीट एक प्रैक्टिस सेट देना है, तो आपको आना है ऑनलाइन टेस्ट में। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, देन आपको कर देना है यहाँ पे ओपन। देन आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको यहाँ पर चारों मॉड्यूल के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं कि आपको किसका ऑनलाइन टेस्ट देना है। फॉर एग्जाम्पल हमें पाइथन लैंग्वेज का टेस्ट देना है, तो हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो आपके सामने यहाँ पर सारे ही प्रैक्टिस सेट यहाँ पर लोड हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो जो भी आपको देना है आप उस पर क्लिक कर दीजिए। मैंने क्लिक कर दिया पाइथन प्रैक्टिस सेट 3। तो यहाँ पर प्रैक्टिस 3 से संबंधित जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। बट यहाँ पे आप लोगों को अपना नाम देना होगा। मैंने दे दिया है सत्यम। देन स्टार्ट टेस्ट यहाँ पे क्लिक कर दिया तो आप देखेंगे यहाँ पर सारे ही क्वेश्चंस लाइन बाय लाइन आ चुके हैं। एक सेट में 25 क्वेश्चन हैं। जिस भी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है उसको आप टिक कर दीजिए, देन आपके सामने ऑप्शन दिखाई देगा सबमिट टेस्ट का। यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो जो भी आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उसके अकॉर्डिंग आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। आपको ये चेक करना है कि कौन से क्वेश्चन आपने गलत किए हैं, उनके सही आंसर क्या होंगे, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप सारे ही क्वेश्चंस के आंसर देखने हैं जो उस सेट में थे तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। साथ ही आप यहाँ पर क्लिक करके अपना रिजल्ट अपने दोस्तों के साथ में साझा कर सकते हो, या फिर आप यहां पर क्लिक करके इस टेस्ट को दोबारा से दे सकते हो। और टेस्ट देने के लिए आप यहां पर क्लिक कर सकते हो। तो ये तो प्रोसेस था इंग्लिश में ऑनलाइन टेस्ट देने। इसका मुझे जूम कम करना पड़ेगा, ज्यादा जूम है, ठीक है, ओके। अब बात आती है हिंदी के लिए। तो प्रेजेंट टाइम में आज की डेट में एक चल रहा है टूर्नामेंट जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। जीतने वालों को फ्री ऑफ कॉस्ट टी शर्ट दी जाएगी। तो आप भी इस टूर्नामेंट में रजिस्ट्रेशन कर लें और आप इसमें टी शर्ट जीत सकते हो। देन आप लोगों को यहीं पर कोर्सेज के बारे में जानकारी दी गई है। प्रेजेंट टाइम में ऑफर चल रहा है। तो हिंदी में ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए आपको आना है ऑनलाइन टेस्ट पे। देन आपके सामने इस टाइप से एक इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपसे पूछेगा कि आपको किस पेपर का टेस्ट देना है। तो यहाँ पर कुछ सेकंड वेट कर लीजिए। ये डिपेंड करता है इंटरनेट की स्पीड और सर्वर की स्पीड पे। कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा ट्रैफिक होता है। तो यहाँ पर आपको M1, M2, M3 और M4 इन चारों का ही टेस्ट मिल जाएगा। तो सिंपली आप लोगों को जिस भी मॉड्यूल का टेस्ट देना है आप उस पर क्लिक कर दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पाइथन पर क्लिक किया तो आप यहाँ पर देखिए आपके सामने जो भी टेस्ट हैं वो इस प्रकार से ओपन हो जाएंगे, ठीक है। ये आप लोगों को यहाँ पर 8 टेस्ट दिखाई दे रहे हैं। देन आप 2 पे क्लिक करेंगे तो और भी टेस्ट आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमें प्रैक्टिस सेट 1 देना है तो हमने स्टार टेस्ट यहाँ पे क्लिक कर दिया है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको अपना नाम देना है। फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया है सत्यम। जो आप नाम देंगे वही नाम आपके रिजल्ट में शो होगा। देन आपको यहाँ पर करेक्ट क्वेश्चन का करेक्ट देना है। देन आप लोग यहां पर क्लिक कर दोगे सबमिट पे तो जो आपका टेस्ट है वो सबमिट हो जाएगा और जो रिजल्ट होगा वो आपके सामने दिखाई देगा। तो आप इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। लगातार मैं आप लोगों को ओ लेवल की जो क्लासेस हैं वो प्रोवाइड कर रहा हूं। तो आप चैनल ओ लेवल दोस्त इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको यहां पर लगातार क्लासेस जा रही हैं जो कि काफी ज्यादा यूजफुल हैं। तो आप इन क्लासेस को अटेम्प्ट करिए। साथ ही जो न्यू आइडियाज YT मेन चैनल है यहाँ पर आप लोगों को होम में MCQs जो प्लेलिस्ट हैं वो दिखाई देंगी। अगर आप इनको फिनिश कर लेंगे तो आप अच्छे मार्क्स आराम से गेन कर सकते हैं। तो आपको चारों ही पेपर की अलग अलग दिख जाएंगी
प्लेलिस्ट MCQs की, जहाँ से आप तैयारी कर सकते हो। अगर आप पाइथन का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये पहली वीडियो जिसमें हमने 201 MCQs डिस्कस किए हैं तो आप इसी क्लास से पासिंग मार्क्स आराम से गेन कर सकते हो सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन के साथ में। हाँ, एक पॉइंट रह गया था कि अगर आपके एडमिट कार्ड पे हिंदी है तो क्या आप इंग्लिश में एग्ज़ाम दे सकते हो, तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश का कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आएगा, भले ही आप हिंदी मीडियम से हों भले ही आप इंग्लिश मीडियम से हों, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर रहेगा उसमें वही क्वेश्चन हिंदी में और वही क्वेश्चन इंग्लिश में होने वाला है। 100 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे, पेपर ऑफलाइन होगा क्योंकि जो आपके सेंटर्स हैं वो पब्लिक स्कूल और इंटर कॉलेज में गए हैं, तो जाहिर सी बात है एग्ज़ाम ऑफलाइन ही होगा। आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस, जय हिंद। जो क्लासेस आप लोगों को दी जा रही हैं आप उनको प्रॉपर तरीके से देखिएगा, डेफिनेटली आपका फ़ायदा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।